फ्रेंड्स, अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में जो साबित प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड क्या होता है? तो जो हमने प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, जस्ट अपोजिट उसका डिसप्रूव्ड है। सो डिसप्रूव्ड में क्या कहा गया है कि न्यायालय कब ना साबित मानेगा? तो कोई भी तथ्य ना साबित हुआ है तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद या तो ये विश्वास करे उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, और या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति भी उस अनुमान पर कार्य करने के बाद बोले कि हाँ, उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। जैसे हमने प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ी, उसके जस्ट अपोजिट डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन है। उसमें अस्तित्व माना गया था, इसमें अस्तित्व नहीं माना गया, तो तब न्यायालय मानेगा कि वो चीज डिसप्रूव्ड है, कोई भी तथ्य डिसप्रूव्ड है। जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई अपराधी है और उसके ऊपर डकैती का मुकदमा चलाया जा रहा है और उस पर चालान किया जा रहा है, तो वो अपनी सफाई में ये सिद्ध कर दे कि जिस टाइम डकैती डल रही थी वो उस टाइम जेल में बंद था, तो वो उस टाइम जेल में बंद था, तो ये विश्वास नहीं किया जा सकता कि जब डकैती पड़ रही थी तो उसने डकैती में भाग लिया था, वो भी उन लुटेरों की टोली में शामिल था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर वो ये बात साबित कर दे कि वो तो उस टाइम जेल में बंद था, उसने डकैती में भाग नहीं लिया है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि उसका साक्ष्य ना साबित हो गया है और अपराधी को बरी कर दिया जाए। ये इसका एग्जाम्पल, यानी कि उसने यहाँ पर किसी बात के अस्तित्व के बारे में मना किया है कि इस चीज का अस्तित्व था ही नहीं, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, मैं वहाँ पर था ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं है, तो उसकी बात ना साबित हो गई, डिसप्रूव हो गई, तो इसको कहा जाएगा कि ना साबित। डिसप्रूव की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो दो डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है, प्रूव और डिसप्रूव, अब जो थर्ड डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, क्योंकि वो इन दोनों डेफिनेशन से थोड़ी डिफरेंट। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा साबित नहीं हुआ, यानी कि नॉट प्रूव्ड। ये कब कहा जाएगा कि नॉट प्रूव्ड? तो कोई भी फैक्ट साबित नहीं हुआ है, यानी कि वो नॉट प्रूव्ड है, ये तब कहा जाएगा जब वो ना तो साबित किया गया है और ना ही ना साबित किया गया है, यानी कि वो ना ही प्रूव किया गया है ना ही डिसप्रूव किया गया है, तब कहा जाएगा कि वो नॉट प्रूव है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, यानी कि न्यायालय किसी भी तथ्य का अस्तित्व को नहीं समझ पा रहा है, ना ही उसके अनअस्तित्व को समझ पा रहा है कि उस तथ्य का अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है। न्यायालय इस कारण कन्फ्यूजन में है और निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ना ही प्रूव कर पा रहा है ना ही अपनी बात को डिसप्रूव कर पा रहा है, तो न्यायालय इस कारण निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा है, कोई निर्णय नहीं दे पा रहा है, तो हम उसको मान लेंगे कि नॉट प्रूव्ड, वो साबित ही नहीं हुआ है। तो ये हमारी ना साबित, यानी कि साबित नहीं हुआ है, इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। सो ये तीन डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। सो तीनों डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।